झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने रांची में एक्सपोवो उत्सव 2022 का उद्घाटन किया। समारोह को संबोधित कर रहे राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि झारखंड में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता है, लेकिन विजन की कमी है। यदि विजन ठीक हो जाए तो झारखंड देश का सबसे संपन्न राज्य होगा। जमीन के ऊपर देखें, जमीन के नीचे देखें, जमीन के आजू देखें, बाजू देखें, जमीन के अंदर इतने मिनरल्स हैं, ऊपर में जंगल है, हरियाली है। चारों तरफ से संपन्न है, लेकिन सिर्फ एक ही कमी है, विजन की। अगर विजन ठीक हो जाए, मैं कहता हूं ये देश, हमारे देश का ये सबसे धनी प्रदेश हो सकता है। आदित्य ठाकरे के बिहार दौरे के बाद बीजेपी पहले सिर्फ राजद पर हमलावर थी, लेकिन अब सीएम नीतीश कुमार आदित्य ठाकरे के बिहार दौरे के बाद बीजेपी पहले सिर्फ आरजेडी पर हमलावर थी, लेकिन सीएम नीतीश कुमार से आदित्य के मुलाकात के बाद सीएम नीतीश भी बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने आदित्य ठाकरे के मुख्यमंत्री से मुलाकात को लेकर कहा कि अब पहले तो नीतीश कुमार को समझना चाहिए कि अब वो बिहार में एक डमी मुख्यमंत्री हैं। ठाकरे आते हैं तो तेजस्वी यादव से मिलते हैं, तेजस्वी मजबूरी में उनको नीतीश जी के पास लेकर जाते हैं। या तो वही बात हो गई कि कोई भी मेहमान आता है तो उसे घर के बूढ़े मुखिया के पास आशीर्वाद लेने के लिए लेकर जाया जाता है। डमी मुख्यमंत्री हैं, आज आदित्य ठाकरे भी आते हैं तो वो तेजस्वी जी से मिलते हैं, अब तेजस्वी जी मजबूरी में ले जाते हैं कि एक जैसे घर में हम लोग यहाँ भी कोई बुजुर्ग मुखिया खटिया में पड़ा रहता है तो कोई अपना आदमी आता है मिलने तो कहते हैं कि चलो उनसे भी जरा मिल लो, उनका आशीर्वाद ले लो। तो वही स्थिति अब नीतीश कुमार की हो गई है, ना उनके आने में उनसे मिलने का कोई प्रोविजन था ना कुछ था। हाँ, लेकिन एक बुजुर्ग मुखिया के तौर पर जो खाट पे बैठे हुए हैं उनका आशीर्वाद दिलाने जरूर तेजस्वी जी ले गए थे। बिहार में प्रशांत किशोर की जन सुराज यात्रा ने 50 दिन से ज्यादा पूरे कर लिए हैं। हर गुजरते दिन के साथ लोग इससे जुड़ रहे हैं और प्रशांत अपने तीखे बयानों से नेताओं को परेशान कर रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि चाचा भतीजे में भतीजे की व्यक्तिगत पहचान केवल इतनी है कि वे लालू यादव के बेटे हैं। जिस जंगल राज को खत्म करने के नाम पर नीतीश कुमार यहां काम कर रहे हैं, उसी को फिर पीछे के दरवाजे से घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। चचा भतीजा का तो कोई भतीजा का तो कोई गिनती है नहीं। भतीजा की पहचान क्या है? भतीजा तो लालू यादव के लड़के हैं। लोगों ने मेरे से सवाल पूछा कि आपकी टिप्पणी उनको लेकर क्या है, तो मैंने, मेरे लिए तेजस्वी यादव लालू यादव के लड़के हैं। इसके अलावा ऐसा कौन सा पराक्रम उन्होंने कर दिया है समाज में, ऐसा कौन सा काम कर दिया, ऐसी कौन सी गतिविधि उनकी है जिसके लिए कि मैं उसका संज्ञान लूँ? अगर वो लालू यादव के लड़के हैं ये तो बात सच्चाई है, इसी वजह से वो डिप्टी सीएम है। ऐसा तो है नहीं कि शिक्षा के क्षेत्र में, खेलकूद के क्षेत्र में, सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में, किसी विधा में उन्होंने कुछ बहुत बड़ा काम किया हो समाज के लिए या किसी दूसरे स्तर पर जिसके संज्ञान लेने की जरूरत है। तो चचा भतीजा का कुछ नहीं है, ये तो चचा जो है वो भतीजे को चोर दरवाजे से वापस घुसाना चाह रहे हैं। बिहार सरकार के द्वारा अति पिछड़ा समाज को लेकर केंद्र सरकार से अनुशंसा की गई थी, जिसकी मांगों को लेकर अखिल भारतीय अति पिछड़ा महासभा के साथ बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी के आवास पर आरक्षण अधिकार पदयात्रा को लेकर बैठक हुई। इस बैठक के बाद मंत्री सहनी ने कहा कि 6 से 12 दिसंबर तक चंपारण से पटना तक अपनी मांगों को लेकर हम लोग पदयात्रा करेंगे। बिहार के दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और रसायन विज्ञान विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्रा को सर्तन से जुदा करने की धमकी मिली है। उन्हें धमकी भरा पत्र बुधवार की शाम डाक पोस्ट के माध्यम द्वारा भेज दिया गया। धमकी भरे पत्र पर लिखने वाले का नाम आलम परवेज लिखा है। धमकी भरे पत्र में साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि रसायन विज्ञान विभाग के विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा का जिहादी सर्तन से जुदा करेगा, ये कभी भी कहीं भी हो सकता है।
खत में डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्रा के अलावा उनके परिवार का भी सर कलम करने की बात लिखी गई है। पत्र में लिखा गया है कि ये सब इसलिए है क्योंकि ये अल्लाह का आदेश है। वहीं इस मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि यह जो सरकार बनी है पीएफआई की गठजोड़ से बनी है। पीएफआई के कई लोग राजद में मतदाता के रूप में जुड़े हुए हैं, वहीं जदयू में सरकारी अफसर के तौर पर जुड़े हुए हैं, इसलिए इस सरकार में इस तरह की धमकी एक प्रोफेसर को दी जा रही है। कहते रहा हूं कि यह जो सरकार बनी है यह पीएफआई के जो तत्व जदयू में सरकारी अफसर के तौर पर मौजूद हैं और पीएफआई के तत्व जो वोटर के तौर पर राजद में मौजूद हैं, उन दोनों के गठजोड़ से यह सरकार बनी है और इसलिए इस तरह की धमकियां, इस तरह के कार्रवाई करने का ये लोग हक समझ रहे हैं। पर भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में इस तरह की चीज़ें नहीं होने देगी। हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि अगर इस तरह के बातों को संज्ञान में लेकर के और तुरंत प्रोफेसर मिश्रा को सुरक्षा मुहैया कराएं। और बिहार के नवादा में पंचायत का शर्मनाक फैसला सामने आया है। यहां 5 साल की बच्ची से छेड़खानी के आरोपी को 5 बार उठक बैठक कराकर छोड़ दिया गया। इंसानियत को शर्मसार करने वाले जिस वरिंदे को जेल की कोठरी में होना चाहिए था वो अब खुलेआम घूम रहा है। घटना नवादा के अकबरपुर थाना क्षेत्र की है, जहां रहने वाले एक युवक ने 5 साल की बच्ची के साथ छेड़खानी की। बच्ची ने युवक की करतूत जब घर वालों को बताई तो परिजन थाने में इसकी शिकायत करने जा रहे थे। इस बात की भनक जब आरोपी को लगी तो उसने अपने जानने वाले एक पूर्व मुखिया के माध्यम से मामले को रफा दफा कराने के लिए साजिश की। इसके बाद पूर्व मुखिया ने इस मामले को सुलझाने के लिए पंचायत बुला लिया और आरोपी युवक को 5 बार उठक बैठक करने की सजा सुना दी, जिसके बाद आरोपी 5 बार उठक बैठक कर मामले से बरी हो गया। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव लगातार बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने की कोशिश में लगे हुए हैं। तेजस्वी यादव लगातार अस्पतालों में आधी रात पहुंचकर भले ही छापेमारी कर रहे हों, लेकिन उनका डर शायद डॉक्टरों में नहीं दिख रहा है। तभी तो डॉक्टर अस्पतालों में अपनी मनमानी चला रहे हैं। मामला मुख्यमंत्री आवास से महज 15 किलोमीटर दूर पटना सिटी के सबलपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां लापरवाह डॉक्टरों ने एक साथ दर्जनों महिलाओं को परिवार नियोजन का ऑपरेशन कर इस ठंड के दिनों में उसे जमीन पर ही लिटा दिया। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला घूमने के नाम पर अपराधियों ने पटना से भाड़ा पर स्कॉर्पियो लेकर लूट लिया और फरार हो गया। वहीं मेला क्षेत्र से कई मोटरसाइकिल की चोरी हो गई। इस घटना को लेकर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अंजनी कुमार ने कहा है कि बीते 19 नवंबर को अपराधियों ने पटना से सोनपुर मेला घूमने के नाम पर एक स्कॉर्पियो भाड़ा पर लिया और मेला घूमने के बाद सभी अपराधी ने लौटते समय वैशाली के त्वरेसिया दियारा के पास चालक को उतार कर स्कॉर्पियो लेकर फरार हो गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए स्कॉर्पियो लूट मामले में एक अपराधी को गिरफ्तार किया है और स्कॉर्पियो भी बरामद की है। वहीं एक मोटरसाइकिल के साथ 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इसका घटना हुई पटना से भाड़े पर ठीक किया स्कॉर्पियो को और उसको स्कॉर्पियो को मेला घूमने के बाद उसको उपरांत उसको लूट के और स्कॉर्पियो लेके चला गया था। उसमें जो मेला में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है उससे चिन्हित किया गया अपराधकर्मी को और उसमें अपराधकर्मी गिरफ्तार किए गए। स्कॉर्पियो भी रिकवरी किया गया, बाकी अपराधकर्मी भी चिन्हित कर लिए गए जिन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। एक और मोटरसाइकिल चोरी हुई थी, उसमें भी अपराधियों का चेहरा क्लियर हो गया सीसीटीवी कैमरा में, जिसमें चिन्हित करते हुए अपराधी भी गिरफ्तार किया गया, मोटरसाइकिल भी रिकवरी किया गया। और भी कई घटनाएं मोटरसाइकिल की घटना घटी है, 4-5 घटना, उन सभी में अपराधी चिन्हित कर लिए गए हैं सीसीटीवी के द्वारा, जल्द पहचान करके उनकी गिरफ्तारी और बरामद की गई। जेडीयू जिला अध्यक्षों का चुनाव पार्टी के लिए कलह की नई वजह बन गई है। चुनाव में धांधली की खबरें लगभग हर जिले से सामने आ रही हैं। जेडीयू राज्य निर्वाचन पदाधिकारी ने नव निर्वाचित अध्यक्षों की लिस्ट जारी कर दी। दरअसल बक्सर में जिस उम्मीदवार ने जीत हासिल की उसका नाम नव निर्वाचित जिला अध्यक्षों के लिस्ट से गायब कर दिया गया। इस लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर पटना स्थित जेडीयू ऑफिस के बाहर भारी हंगामा हो गया। कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष के लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया है।
हंगामा कर रहे लोगों का कहना है कि हमारे यहाँ जिला अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, इसमें अशोक कुमार सिंह को सर्वसहमति से जिला अध्यक्ष के लिए निर्वाचित घोषित किया गया। लेकिन कल जेडीयू के राज्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जिला अध्यक्ष की जो लिस्ट जारी की है उसमें अशोक कुमार की जगह किसी और का नाम है।